यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर झज्जर से है, जहां पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर जाने के पर सवाल खड़े जो विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, उसको लेकर पलटवार राजीव जैन की ओर से किया गया है। और साथ ही कहा गया कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो विदेश ना गए हों। हुड्डा 10 साल में अनेकों बार विदेश गए। साथ ही कहा कि जो लोग पहले सैर सपाटा करने जाते थे, वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश गए हैं, हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में लोग झांक लें। अशोक तंवर की बैंगन वाली प्रतिक्रिया पर उन्होंने निंदा भी की है। तो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने अब मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर बयान दिया और साथ ही कहा कि विपक्ष की ओर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो विदेश ना गया हो। पूर्व सीएम 10 साल में अनेकों बार विदेश गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश में निवेश लाने के मकसद से ही विदेश गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले लोग अपने गिरेबान में झांके। और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की ओर से जो बैंगन लाने का बयान दिया गया था, उसको लेकर भी उन्होंने निंदा यहां पर की। विदेश जो है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जी जो हो जो ना गया। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री रहे, वो विदेश गए और विदेश से क्या लेकर आए क्या नहीं आए वो सारा प्रदेश की जनता जानती है। अगर ये जो लोग पहले विदेश जाते रहे, ये अपनी जो है मीटिंगों का ब्यौरा दे दें, हम भी दे देंगे। ये भी अपनी मीटिंगों का ब्यौरा दे दें कि वहाँ कितनी मीटिंग करते थे, किससे करते थे। वंदन जो है, जब किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आता है या उसका अस्तित्व नहीं होता, तो वो जो है गठबंधन की तरफ भागता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सरकार पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शी के साथ चल रही है और ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इसमें फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या उठा रहे होते हैं उनको तकलीफ होती है।